गौशाला में गौवंश भगवान भरोसे हैं। डीएम के निर्देश के बाद भी अधिकारी लापरवाह बने हुए हैं। सुबह और शाम हल्की ठंड है, मगर गौवंश को ठंड से बचाने के लिए अधिकारियों ने अभी तक कोई इंतजाम नहीं किए हैं। शहर में सुबह और शाम को ठंड ने अपना रंग दिखाना चालू कर दिया है। जैसे जैसे शाम होती है तो ठंड और बढ़ जाती है, जिसकी वजह से गौवंश बीमार हो रहे हैं। लेकिन अधिकारियों ने अभी तक गौवंश को ठंड से बचाने के लिए कोई इंतजाम नहीं किए हैं। डीएम अरविंद मलप्पा बंगारी ने गौशाला में गौवंश के बैठने के लिए चटाई, हरा चारा व अन्य व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश सोमवार को मुख्य पशु चिकित्सक को दिए थे। इस संबंध में सीवीओ डी के पांडे का कहना है कि हमारा काम सिर्फ इलाज करना है, ठंड से बचाव के इंतजाम व अन्य व्यवस्थाएं खंड विकास अधिकारी करेंगे। भाई किसान नेता श्याम सिंह चाहर का कहना है कि सीवीओ की लापरवाही के कारण बीमार गौवंशों को इलाज नहीं मिल पा रहा है, गौशाला में तिरपाल तक टंगे हुए हैं। सी न्यूज़ के लिए आदर्श शर्मा की रिपोर्ट।